नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। खबर ये आई कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता और कर्ता धर्ता अजीत पवार अचानक से नॉट रीचेबल हो गए, जिसके बाद कयास ये लगने लगे कि कहीं अजीत पवार अपने विधायकों के साथ कोई बड़ा गेम तो नहीं करने वाले, क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरह से शरद पवार और खुद अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं, उससे ये सवाल तो खड़े होते ही है। दरअसल अजीत पवार को लेकर कई मीडिया चैनलों ने यह खबर चलाई कि एनसीपी नेता अजीत पवार फिर से गायब हैं। उन्होंने अपने सारे अधिकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और काफिला भी छोड़ दिया है। इससे पहले 2019 में ऐसा किया था, उस वक्त उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। अब जब ये खबर आई तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की दोस्ती की एक बार फिर से चर्चा होने लगी। वहीं पिछले दिनों अजीत पवार और शरद पवार द्वारा दिए गए बयान भी सोशल मीडिया पर तैरने लगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2019 में भाजपा और एनसीपी का गठबंधन हुआ था। भले ही सरकार दो तीन दिन में ही गिर गई हो, लेकिन अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती सबके सामने आ गई। जय भीरू की जोड़ी ने क्या खूब धमाल किया था और विरोधी पार्टियों को तगड़ा झटका दे दिया था। और वही पिछले महीने ही ये खबर आई कि भाजपा और एनसीपी ने नागालैंड में गठबंधन कर लिया है, जिसके बाद खबर ये आने लगी कि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लग सकता है। अब इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उठाए गए सवाल पर भी अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप की तारीफ कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये कह दिया था कि जिस पार्टी के केवल दो सांसद थे, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी पहुंच गई, तो क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं है? उनके खिलाफ बहुत बयान दिए गए, लेकिन वो और भी लोकप्रिय हो गए। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव जीता। अब 9 साल बाद इन मुद्दों को निकालने का क्या फायदा? जनता उनके काम को देख रही है। जहां राजनीति में शिक्षा का सवाल है तो इसका ज्यादा महत्व नहीं माना जाता। अजीत पवार ने इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी हवाला दिया और बयान देते हुए कहा कि वसंत दादा पाटिल की तरह 4 ऐसे CM हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका प्रशासन चलाने का तरीका शानदार था। उनके शासन काल में कई शिक्षण संस्थान कॉलेज खोले गए, इसीलिए राजनीति में पढ़ा लिखा होना कोई शर्त नहीं है। इसलिए इस मामले में मेरा स्टैंड क्लियर है, आपको जो अर्थ निकालना हो निकाल सकते हैं, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। अब इतना ही नहीं, विपक्ष द्वारा ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर भी अजीत पवार ने सरकार का समर्थन कर दिया। अब भले ही राहुल गांधी, संजय राउत, उद्धव ठाकरे सवाल उठा रहे हों कि मोदी सरकार ईवीएम में घोटाला कर रही है और चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए, लेकिन इस पर अजीत पवार ने दो टूक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम पर पूरा भरोसा है, अगर ईवीएम खराब होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार नहीं होती। ईवीएम में हेरफेर करना एक व्यक्ति द्वारा संभव है ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी प्रणाली है। अगर किसी तरह से ये साबित हो जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो देश में बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करने की हिम्मत भी करेगा। कभी कभी कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो हार नहीं सकते, फिर ईवीएम पर आरोप लगाने लगते हैं, इसे छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन ये लोगों का वास्तविक जनादेश है। तो आपने देखा किस तरीके से अजीत पवार ने ये कहा था कि जब चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो चुनाव तो हार ही नहीं सकते, इसीलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। अब अजीत पवार ने तो विपक्ष के मुद्दों की हवा निकालते हुए ये बयान दे दिया। वहीं शरद पवार ने भी अडानी मुद्दे पर मोदी का समर्थन कर दिया और जेपीसी की जांच की मांग कर रहे राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के मुद्दे की पूरी तरीके से हवा निकल गई। शरद पवार से जब अडानी के मामले में पूछा गया तो उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया। जो मुद्दे उठाए गए किसने उठाए? हिंडनबर्ग के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? जब वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो पूरे देश में हंगामा कर देते हैं और इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि ये निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही शरद पवार ने आगे भी बयान देते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी का समर्थन किया, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी पर सत्तासीन पार्टी का कब्जा रहेगा, इसीलिए इसे सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। मुझे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ज्यादा बेहतर तरीके से सच्चाई सामने ला सकता है। आजकल अंबानी अडानी का नाम सरकार की आलोचना के लिए इस्तेमाल होने लगा है।
लेकिन हमें ये देश के लिए उनके योगदान के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे लिए बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का मुद्दा ज्यादा अहम है। तो आपने देखा कैसे पवार ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उससे देश को नुकसान होगा और ये विदेशी साजिश। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैसे पिछले दिनों में बयानबाजी की गई और इसके साथ ही जो प्रकरण हुए हैं उसको देखते हुए अजीत पवार के कार्यक्रम रद्द होने पर अटकने लगने लगी थी और इसीलिए कहा जाने लगा था कि अजीत पवार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और विधायकों के साथ वो गायब हो गए। लेकिन अब अजीत पवार के इस पर सफाई भी आ गई है और उन्होंने ये कह दिया है कि मैं बीमार था इसीलिए कार्यक्रम रद्द किए गए। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं शरद पवार और अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी सरकार के समर्थन में हैं और वहीं पर विपक्ष द्वारा जो मुद्दा खड़ा किया जा रहा है उसकी हवा निकाल रहे हैं, इससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार बीजेपी के करीब जा रहे हैं? और अजीत पवार अगर गायब हुए तो क्यों हुए? उन्होंने सफाई तो दी कि वो बीमार थे, लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर कई बड़ा है। इसके साथ ही आपको बता दी कि अजीत पवार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मीडिया ऐसी खबरों को हवा ना दे, लेकिन कुछ तो जरूर था जिसकी वजह से ये खबरें सामने आई और आपने देखा कि पिछले दिनों में जो बयानबाजी की गई है वो बीजेपी के ही फेवर में है और विपक्ष जो भी बड़ा मुद्दा उठा रहा है उसकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। योगी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने अयोध्या यात्रा के लिए की हुई है। पहले तो मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनको नमन करता हूँ और अयोध्या नगरी जो है अयोध्या हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है, भक्ति का विषय है, हमारे लिए अस्मिता का विषय है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यह आने के बाद काफ़ी बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, समाधान हो रहा है और जो माहौल यहाँ पर कल परसों दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ ये अमाप उत्साह है। एक पूरी तरह राम भक्तों ने यहाँ के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है, एक भगवा माहौल, एक हिंदुत्व का माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं तमाम राम भक्तों को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उनके सभी मंत्री जी, यहाँ मंत्री जी भी स्वतंत्र कुमार जी है, और इनको पूरे सभी राम भक्तों को और हमारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का सपना था और तमाम लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य ऐसा राम मंदिर का निर्माण हो और उस निर्माण को इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राम मंदिर का काम शुरू है और जल्दी वो पूरा होने वाला है, इसलिए लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का सपना और तमाम सभी लोगों का ये सपना जल्दी पूरा होने जा रहा है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।